करते हैं तो R1 लेने के पीछे इंडिया के यूट्यूबर्स क्यों पड़ गए हैं? अचानक से सभी को R1 अब याद आ रही है। तो देखो ऑडियंस पूछती है कि आप वो करते किसको, चलो बताओ। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? स्वागत है मोमेंटो के साथ। तो अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लिटरली कुछ चीजें कर लेगा यार। तो फर्स्ट अपडेट निकल कर आ रही है आमिर मजीद एंड जेट प्रोजोत पाजी की साइड से। रिसेंटली डार्क एक्सपेक्टर ने आमिर मजीद एंड जेट प्रोजोत पाजी को एक्सपोज कर दिया। आपको बताओ आमिर मजीद एंड जेट प्रोजोत पाजी दोनों ने ही R1 लिए थे, तो इसके ऊपर डार्क एक्सपेक्टर ने आमिर मजीद एंड जेट प्रोजोत पाजी को एक्सपोज करते हुए कहे कि आखिर उन दोनों ने R1 क्यों ली। आप सबसे पहले क्लिप देखो। तो R1 लेने के पीछे इंडिया के यूट्यूबर्स क्यों पड़ गए हैं? अचानक से सभी को R1 अब याद आ रही है। तो देखो इसका सिंपल और सरल भाषा में तुम्हें मैं आंसर करूंगा। इन्होंने हर एक बाइक को अपने चैनल पर लाया है, फिर जो बाइक दूसरे यूट्यूबर के पास नहीं होती वो लाते हैं, उसको हाइप बनाते हैं और फिर उसको बेच देते हैं। ठीक है, देखो मेरे को मेन प्रॉब्लम पता है किस चीज से भाई, इनकी ना कोई ड्रीम बाइक नहीं होती, ऐसे ही बोल देते हैं R1 मेरी ड्रीम बाइक है, H2 मेरी ड्रीम बाइक है, S1000 मेरी ड्रीम बाइक थी भाई, आज खरीद ली है वो। ये स्ट्रगल स्टोरी सुन सुन के ना भाई मेरे कान पक चुके हैं, मेरे को नहीं सुनना भाई ये सब। तो मेन बात ये है कि अभी R1 अचानक से क्यों ले ली। देखो आपको पता है एक व्लॉगर है जिसने XYZ जिसको हमारे इंडिया में सबसे बड़ा मोटो व्लॉगर माना जाता है, ऐसे मैं कह रहा हूं, ठीक है मैं मानता नहीं हूं इस चीज को, और उनको माना जाता है। तो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है आमिर मजीद की साइड से। तो आमिर मजीद ने एक स्टोरी शेयर किया जहां पर उन्होंने कहे कि वो न्यू राइड स्टार्ट करने वाले हैं और ये राइड कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं। तो लास्ट अपडेट निकल के आ रही है जानू स्टैंड एंड निको 07 राइडर की साइड से। तो कुछ दिन पहले जानू स्टैंड ने अपने ZX ट्रेनर को ऑरेंज रैप करवाए थे, एंड इसी के साथ साथ निको 07 राइडर अपने सुप्रा को ऑरेंज में बदल दिए थे। तो जानू स्टैंड अपने ब्लॉग में जब पोक करते थे वो किसको करते थे इसके बारे में बात किया। ओके, एक बंदा आपके लिए कुछ गलत चीजें बोल रहा है। वो कौन बंदा है? मतलब तुम्हें कॉपी कर रहा है? कॉपी कर रहा है। अब वो तो यार आपको पता है, एक बंदे ने, मैंने जब ऑरेंज रैप कराया था तो एक बंदे ने उसको सुपर वो कराया था, वो इतने भी बड़ी बात नहीं। सुनो ना, हमने उस बंदे का नाम जानना है बस। देखो सबने, मैंने जैसे बोल रहा था किराया कोई चक्कर नहीं है, सब अपने पैसे से कराते हैं, वो बात है ठीक है ना। लेकिन वो ऑरेंज कलर मैंने अपनी गाड़ी में कराया, इसका मतलब ये थोड़ी ऑरेंज कलर मेरा ही हो गया। हां अभी तो किया था ना, कोई चक्कर नहीं। नाम बताओ उसका बस एक बार अपने मुंह से बता दो यार क्या हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है राइडर इस बार बिग बॉस जीत पाएंगे? कमेंट में जरूर बताना। सो ये आज मेरे पास इतना ही अपडेट था, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना।